मान लीजिए आपके पास सिर्फ 1500 रुपये है एक वॉच लेने के लिए, पर आप चाहते हो कि एक स्पोर्टी डाइवर लुक वाला वॉच हो जिसमें कि रोटेटिंग बेजल भी हो और साथ में फील्ड वॉच वाली किलर एस्थेटिक लुक भी हो, 100 मीटर का वाटर रेजिस्टेंस भी हो और वॉच मेकर एक लेजेंडरी जापानीज ब्रांड हो, तो आप बिना कुछ सोचे समझे इस वॉच को खरीद सकते हो। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जिनको भी लो बजट में एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वॉच चाहिए तो वो फास्ट ट्रैक और सोनाटा को खरीदने से पहले एक बार कैशियो इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे जरूर चेक कर ले। सिर्फ वैल्यू फॉर मनी ही नहीं, ये वॉच क्योंकि सिर्फ 1500 रुपए में आता है तो आप इसे एक बीटर वॉच की तरह यूज भी कर सकते हो, जिम में वर्कआउट करते वक्त या बीच हॉलीडे पे, आउटडोर में जहां आपको लगता है कि वॉच पे इजीली कोई डेंट या स्क्रैच लग सकता है, ऐसे सिचुएशन में एक इनएक्सपेंसिव बीटर वॉच बहुत यूजफुल हो सकता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वॉच गन, मेरा नाम है पंकज। आज हम रिव्यू करेंगे कैशियो के इस खूबसूरत वॉच का जिसका रेफरेंस नंबर है MRW200H। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और नीचे एक जो लाल बटन है उसको दबाना मत भूलेगा। चलिए रिव्यू पे आगे बढ़ते हैं। कैशियो एक आइकॉनिक जापानीज वॉच मेकर है और वॉच कम्युनिटी में इनकी बहुत रिस्पेक्ट है। इन्होंने अपना पहला वॉच 1974 में रिलीज किया था। याद रखिए, कैशियो ने अपनी शुरुआत 1940s में ही करी थी, पर इनिशियली कैशियो ने कैलकुलेटर्स, प्रिंटर्स, कैश रजिस्टर्स, पियानो कीबोर्ड, वाइड रेंज प्रोडक्ट से अपना बिजनेस शुरू किया था। 1983 में सही मायनों में कैशियो वॉचेस को हाइप मिली जब कैशियो जी शॉक को रिलीज किया गया। मैंने पहले एक कैशियो फॉरेस्टर वॉच का रिव्यू किया था चैनल पे, आप रिव्यू देख सकते हो। ये वॉच भी कम बजट में एक बढ़िया वॉच है, पर इस फॉरेस्टर वॉच में जो मिसिंग पॉइंट्स है वो इस वाले MRW200H वॉच में कवर अप हो जाते हैं। जैसे फॉरेस्टर वॉच का डायल साइज 38mm था और इस वॉच का डायल साइज है 43mm। इससे क्या होगा कि जिनके रिस्ट साइज बड़े हैं या जिनको बड़े डायल वाले रिस्ट वॉचेस पहनने की आदत है, उनके लिए ये वॉच ज्यादा सुटेबल होगा। उस फॉरेस्टर वॉच में रोटेटिंग बेजल वगैरह नहीं था, बट इसमें है। और सबसे मेन चीज, फॉरेस्टर वॉच इंडिया में अवेलेबल नहीं था, पर ये वॉच अवेलेबल भी है और भाई साहब कलर ऑप्शंस एक से एक कमाल है। वॉच का मेन हाईलाइट है इसका डायल जो काफी बिजी है। ब्लैक एंड व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन का सही इस्तेमाल किया गया है। ये जो बड़े बड़े व्हाइट पेंटेड अरबिक नंबर्स है 1 to 12, जिसके नीचे 12 to 24 आवर्स के छोटे न्यूमरल्स, बेजल पे ये मिनट मार्कर्स और इन सबको कॉन्ट्रास्ट करने के लिए व्हाइट कलर के आवर एंड मिनट एंड और सेकेंड हैंड, ये कुछ यूनिक है। मुझे याद नहीं कब मैंने लास्ट टाइम तीनों हैंड्स व्हाइट कलर में देखे हैं। शायद सेको SNK 809 में तीनों हैंड्स व्हाइट कलर के हैं जहां तक मुझे याद आता है। लूम शॉट देखते हैं, नाइट टाइम में काम चल जाएगा बट बहुत देर तक विजिबिलिटी नहीं रहेगी। वैल्यू फॉर मनी देखिए, अगर 1500 रुपये में सिर्फ स्टैंडर्ड डेट विंडो देते या सिर्फ 50 मीटर का वाटर रेजिस्टेंस देते तब भी कोई कुछ नहीं बोलता, पर इन्होंने डेट विंडो के साथ डे विंडो भी दिया हुआ है और वाटर रेजिस्टेंस भी 100 मीटर तक रखा है, जिससे कि वाटर स्प्लैश, स्नॉर्कलिंग, स्विमिंग कर सकते हैं। वॉच का थिकनेस सिर्फ 12mm है। रेजिन मटेरियल का केस है जो बेसिकली प्लास्टिक है, बट प्लास्टिक से ज़्यादा टिकाऊ और रोबस्ट होता है। मटेरियल की वजह से ओवरऑल वॉच का वेट और वॉच का प्राइस दोनों कम हो जाता है। यहाँ 3 o'clock पोजीशन पे एक अनसाइंड क्राउन दिया गया है, साथ में ये दोनों तरफ से क्राउन गार्ड भी अवेलेबल है। क्राउन को फर्स्ट पोजीशन पे पुल करें और ऊपर की तरफ रोटेट करने से डे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे स्पेनिश एंड इंग्लिश लैंग्वेज में डे दिया गया है। और अगर हम नीचे रोटेट करेंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पे आप देख सकते हो डे चेंज हो जाएगा। सेकेंड पोजीशन पे पुल करने से आप टाइम को सेट कर सकते हो। रोटेटिंग बेजल भी रेजिन मेटल का है, बाई डायरेक्शनल रोटेशन है, यानी बेजल को आप दोनों तरफ घुमा सकते हो। रैचेटिंग या स्प्रिंग टेंशन नहीं है और इस प्राइस में मिलेगा भी नहीं। फ्लिमसी बेजल नहीं है, इंटैक्ट रहता है। बेजल ऐसे काम करता है कि आप इस ट्राइंगल को मिनट हैंड के साथ सेट कर दें, जहाँ पे मैंने सेट किया है, और फिर जितना भी आपको इलैप्स टाइम रखना है जैसे कि 15 मिनट तो मिनट हैंड को 15 मिनट तक ट्रैक करें। और दूसरा ऑप्शन है, आप इस ट्रायंगल को मिनट हैंड से 15 मिनट्स आगे सेट कर दें और फिर इस मिनट को ट्रैक करें 15 मिनट्स होने तक। ये ग्लास एक नॉर्मल मिनरल क्रिस्टल ग्लास है, केस पैक स्टेनलेस स्टील का है जिसमें कि 4 स्क्रू लगे हुए हैं। कैशियो की ब्रांडिंग है, मूवमेंट नंबर, मॉडल नंबर, जापान मूवमेंट लिखा हुआ है। जो मूवमेंट है वो मियोटा का जापानीज मूवमेंट है, इस वजह से वॉच की रिलायबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। इसके एक्यूरेसी 20 सेकेंड्स पर मंथ है। स्ट्रैप की बात करें तो ये एक 18mm विड्थ वाला बेसिक सा रबरी फ्लेक्सिबल स्ट्रैप है जो कि जनरली कैशियो के वॉचेस में आता है। आप इस स्ट्रैप को एक नैटो स्ट्रैप के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं।
इस बकल पे भी कैशियो की ब्रांडिंग करी गई है जो नॉर्मली लो बजट वॉचेस पे देखने को नहीं मिलता है। फ्लिपकार्ट पे इस वॉच का प्राइस है 1400 रुपये, कैशियो इंडिया वेबसाइट पे प्राइस है 2000 रुपये, अमेजोन पे ये वॉच अभी आउट ऑफ स्टॉक है। अगर आप डेली यूज़ के लिए एक बीटर वॉच ढूंढ रहे हैं तो ये वॉच एक अच्छा ऑप्शन होगा, कॉलेज स्टूडेंट्स भी ये वॉच यूज़ कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।